ये स्टैचू है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके मुंह में तुम बोलोगे तो वो एक आगे एक स्टैचू और बना हुआ है, उधर कोई कान लगाएगा तो सुनाई देगा। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ यहाँ, यहाँ पे भी और ये लोग भी, सिर्फ एक है लेकिन ऐसा लग रहा है राउंड है चारों तरफ, और ये इधर ही एंड हो गया है और ये भी इधर ही एंड हो गया, लेकिन यहाँ से देखने में बहुत लंबा दिख रहा है, बहुत लंबी, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा, एक गुमनामी का समुंदर है उसमें ही जाके डूब जाऊंगा, अभी बाकी मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है, मुझे पहचानो देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज 1 जनवरी है 2023 का फर्स्ट दिन, तो हम लोग आज घूमने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं पणजी सिटी के पास जो अच्छे अच्छे नज़ारे हैं वहाँ पर ले जाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आए हैं उन सभी से मीरामार बीच, मीरामार बीच पर आए हैं, अभी बाहर खड़े हैं और ये पीछे है मीरामार सर्कल, और अब हम लोग बीच की तरफ बढ़ते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये हमारे दो दोस्त भी आए हुए हैं मेरे साथ में, तो चलते हैं बीच की तरफ। आज काफ़ी पब्लिक रहने वाली है क्योंकि आज संडे भी है प्लस न्यू ईयर है। ये तरफ में बीच है और इधर थोड़ा जंगल टाइप के हैं, कुछ झाड़ वाड़, तो हम लोग बीच की तरफ पहले चलते हैं। धूप बहुत तगड़ा हो रखा है यहाँ पे, पहले ऐसा नहीं था, सब सिर्फ रेती रेती था, लेकिन अभी इधर झाड़ लगा दिया गया और फुटपाथ बना दिया गया है चलने के लिए, तो बहुत खूबसूरत हो गया है। ये हमारे सल्लू भाई, इनका पूरा नाम सलाहुद्दीन है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं इनको सल्लू बोलता हूँ, अरे हमारे हनीफ भाई हैं। तो आज हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं गाइस, चलिए देखिए। आज सब लोग अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, इधर पहले सब लोग नहाते हैं उसके बाद यहाँ पे आके सब खाना वाना खाते हैं, टिफ़िन लेके आते हैं। इधर सबसे अच्छा यही है कि आप टिफ़िन लेके आ सकते हैं, नहीं तो पार्सल ले सकते बाहर से, बाद में आके इधर बाहर बैठ के आराम से खाइए सोइए कुछ भी करिए, इंजॉय फुल मस्त। और यहाँ का खूबसूरत बहुत ही प्यारा नज़ारा, भीगा भीगा है समा, बुझाऊं मैं का। यहाँ पे डेंजर जोन का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से ये साइड में सब लोग नहा रहे हैं, ये साइड में नहाना मना है, यहाँ से डेंजर जोन का बोर्ड लगा हुआ है। रेती मस्त है ना एकदम, इससे तो घर भी बन सकता है ना, वो दूसरा रेती रहता है ना जिससे घर बनता है, ये तो एकदम माटी का नमक का मात्रा रहता है नमक। हाँ बताओ क्यों नहीं, ये रेती से घर क्यों नहीं बनता, एक मिनट, ये रेती है गाइस जिससे मैं बोला कि घर बन सकता है कि नहीं, तो ये हमारे हनीफ भाई बताने वाले क्यों नहीं बनता, इसमें नमक का मात्रा रहता है। बोल लेते हैं भूल भुलैया कहीं पे, यहाँ पे बना हुआ है लाइक जैसे लखनऊ में बना है वैसे उसी का कॉपी होगा छोटा मोटा, तो उधर ही जा रहे हैं हम लोग चलते चलते, उसी साइड में है आगे, तो अभी देखते हैं वहाँ पे भी क्या सीन है, वहाँ का अगर वहाँ पे अच्छा रहेगा तो वहाँ पे भी वीडियो शूट जरूर करेंगे। सुनसान जंगल में जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ता, ताकि ज़्यादा लंबा पैदल ना चलना पड़े, क्योंकि इतने इधर जल्दी बस भी नहीं मिलता है, आज संडे है ना, तो ये सुनसान रास्ता जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा झाड़ है, भूत वूत तो नहीं रहता ना इसमें, सांप बिच्छू या और कुछ, और धीरे धीरे सांप भी होता जा रहा है, डर लग रहा है।
इधर से रास्ता दिख रहा है, इधर से चल रहे हैं। डब्लू भाई गुम हो गया लगता है, हम दो ही लोग बचे हैं। इधर तो नहीं गए, उधर गया है, उधर। भूल भुलैया के बारे में हमारे हनीफ भाई बता रहे थे, वो भूल भुलैया नहीं, एक्चुअल में वह है साइंस सेंटर, जिसे हिंदी में कहें तो विज्ञान केंद्र, हाँ तो लिखा हुआ भी है। तो ये गोवा साइंस सेंटर है, वहाँ पे टिकट घर है, यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। जस्ट मीरामार बीच सर्कल जो है बीच, उसके और थोड़ा आगे ही है, इधर ही डोना पाल जाओगे तो पीछे साइड में बीच है, और ये साइड में गोवा साइंस सेंटर है। तो अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं, जाके पहले देखते हैं टिकट कितने का मिलता है एक लोग का। यहाँ से रोड क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है गोवा साइंस सेंटर का, ये रहा हमारा टिकट, तीन लोगों का 150 हुआ है, एक लोगों का 50। चार बजे 3D शो दिखाया जाएगा जब अनाउंस होगा, उससे पहले हम लोग जाएंगे अंदर म्यूज़ियम घूमेंगे, यहाँ पर स्टेचू बना हुआ है, ये रहा डायनासोर, और वहाँ पे हाथी भी है, ये है एलिफेंट। तो ये है हाथी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ये स्टेचू है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके मुंह में तुम बोलोगे तो वो एक आगे एक स्टेचू और बना हुआ है, उधर कोई कान लगाएगा तो सुनाई देगा। हम लोगों ने ट्रायल किया, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा। इधर ये इसका मुंह है ना, इधर से मैं अभी बोल रहा हूँ, हेलो हेलो हेलो, डब्लू भाई आवाज़ आ रहा है, हनी भाई आवाज़ आ रहा है, ओ भाई मोबाइल यूज़ करने गए हो, इधर ट्रायल करना है, पहले उधर कान लगाओ, हेलो हेलो, अरे हनीफ भाई को बुलाओ, बोलो साइंस सेंटर में कुछ नहीं, बेवकूफ़ बना जा रहा, आवाज़ वाज़ नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा तुम बोलो, मैं ट्राई करता हूँ सुनने का, चल बोल भाई, जोर से बोलो यार, खाए नहीं हो क्या, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा गाइस। वहाँ पे देख सकते हो दोस्त लोग हैं, वहाँ पे हैं सेम स्टेचू, उधर भी बना हुआ है, उसका मुँह उधर है। तो हम लोगों ने ट्राई किया लेकिन आवाज़ वाज कुछ नहीं आ रहा है ना, जा 360 डिग्री घूम जाता है इसको, जिधर चाहिए उधर से देख सकते हो, अभी वहाँ पे देखना मेरे को, लेकिन उसमें उल्टा दिख रहा है। थिएटर में अंधेरा अंधेरा है, सिर्फ दो ही लाइट है, अभी स्टार्ट होने के बाद में एकदम अंधेरा हो जाएगा, तो 3D शो देखेंगे। वैसे 3D का चश्मा दिया नहीं गया, डायरेक्टली दिखाएंगे क्या बिना चश्मे का 3D से? तो फाइनली गाइस हम लोग को 3D चश्मा मिल चुका है, ये है 3D चश्मा, और सबको भी मिल गया जितने लोग आए हैं। और यहाँ से स्क्रीन चालू हो गया, अभी चालू नहीं हुआ, चालू होगा तो देखेंगे कैसा है, तब तक मैं मोबाइल में ट्राई करता हूँ 3D वीडियो देख के। अभी इसमें स्क्रीन में दिखाया है, इसमें ये 3D है वीडियो, तो मेरे को तो ऐसे नॉर्मली दिख रहा है, स्क्रीन में दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि हाँ कुछ चश्मे का फ़ायदा है लगाने का। ऐसे दिखने में तो नॉर्मल है, ऐसे जैसा आँख का ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर लोग देते हैं ब्लैक वाला चश्मा, वैसा ही है। 4 बजे का टाइमिंग था, दो अभी लाइट्स ऑफ हो गए हैं, अब 3D शो ऑन होने वाला है। मैं अभी आप लोग को लाइव बताने वाला हूँ कि 3D दिख भी रहा है कि नहीं। ऐसा लग रहा है हम लोग समुंदर के अंदर हैं, सब 3D में दिख रहा है बाहर। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है ऊपर ही आ जाएगी मछली। साइंस ऑफ ओशियन, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बनाई हुई रखी हुई हैं। अबे अंदर की तरफ चलते हैं, साइंस ऑफ ओशियन, स्कूबा डाइविंग।
ये टाइटैनिक है, यही टाइटैनिक है गाइस। ये पलटा था उसके बाद जब ये डूब गया था उसके बाद निकाल के ला के म्यूजियम में रख दिया गया। और ये टाइटैनिक है, जो टाइटैनिक में इमरजेंसी वाला बोट रहता है ना, कोई लड़ने वड़ने वाला रहता है, वो लगाए नहीं थे इसमें तो वो यहाँ पे रखा हुआ है अलग से। और बाकी अगर ज्ञान इधर लिखा हुआ है, ट्रेन है एक छोटा सा ही है लेकिन इसको देखने में ऐसा लगता है बहुत बहुत दूर तक है, बहुत लंबा दिख रहा है। इतने नहीं है फोटो, अरे बाप रे, तो जहाँ तक देखो वहाँ तक दिख रहा है पूरा। देखेगा एक वायरलेस माइक लेना पड़ेगा, ये माइक से बहुत दिमाग खराब हो गया। ये तो बहुत गहरा कुआं दिख रहा है, सब इधर मिरर का है, ग्लास ग्लास ग्लास। इधर डाइनिंग चेयर लगा हुआ है, अब अंदर जा रहे हैं। ये है भूल भुलैया, लखनऊ का भूल भुलैया नहीं लेकिन इसका कॉपी है। किधर रास्ता है, अरे बाप रे, इधर शीशा है। किधर है डेंजर यार, इधर सब लोग किधर तो शीशा। अरे लड़ गया यार उधर मिरर में, कितनी पब्लिक दिख रहे हैं यार। अरे इधर मिरर क्या, वास्को के म्यूजियम में भी ऐसा लेकिन उधर इतना बड़ा नहीं है। पता ही नहीं चल रहा मिरर किधर, एग्जिट किधर है यार। कोई निकालो मुझे। अरे बाप रे, मजा आ गया। लेकिन इधर रावण बनना है तो यहाँ पे खड़े हो जाओ, दस सर दिख रहे हैं। फनी दिख रहा है। भावना हो गया गाइस, मैं गिड्डू। यहाँ पे रावण है, यहाँ पे खड़े हो गए तो तुम्हारे दस सर दिखेंगे। यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे देखना है। वाकई में इधर दस सर दिख रहे हैं। यहाँ से देखेंगे सब मिरर का कमाल लगा है। अरे बाप रे, ये इधर सर डाल के देखो, बहुत डेंजर है, अंदर पूरा खाई लगेगा। टेबल लगा हुआ है, यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ लगा हुआ है लेकिन एक ही है, एक ही है। सब मिरर का कमाल है, उधर भी दिख रहा है। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ यहाँ, यहाँ पे भी और ये लोग भी, सिर्फ एक है लेकिन ऐसा लग रहा है राउंड है चारों तरफ रखा हुआ। तो गाइस अभी भी हम साइंस सेंटर में ही हैं, अभी जस्ट निकले अंदर से घूम के, बहुत मज़ा आ गया। और हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ना तो इसके लिए उतना नॉलेज नहीं था, तो हम लोग ने कुछ टिकट नहीं लिया था। एक टिकट लिया था 3D शो का, उसका था उसमें इंक्लूडिंग था, और था मतलब पैसा ज़्यादा लगता लेकिन लेना पड़ता, तो पता नहीं था इसके लिए, ले नहीं पाए। वो बोला था लेकिन समझ में नहीं आया था। बाद में उधर वो लोग सब लोग जा रहे थे, प्लैनेट का कुछ तो था, तो हम लोग का वो था नहीं टिकट में, तो इसीलिए अब हम लोग घूम के बाहर आ गए। बाहर आने का तो मज़ा ही नहीं, मन ही नहीं कर रहा था, इतना मज़ा अंदर आ रहा था। अब भूल भुलैया भी है और बहुत सब कुछ है, तो बहुत ही मज़ा आया। आप लोग भी इधर आ सकते हैं कभी भी, अगर पंजीम आए तो पंजीम के पास में ही है मीरामार, तो मीरामार सर्कल के पास में जस्ट है साइंस सेंटर, गोवा साइंस सेंटर। बहुत ही मज़ा आ गया है।